हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको एक अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल्स बनाना सिखाऊंगा। मैंने पहले भी एक यूट्यूब के मतलब यूट्यूब थंबनेल्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो आज मैं एक नया थंबनेल और आपके लिए लेकर आया हूं। तो ये वाला थंबनेल्स हम आज बनाना सीखेंगे, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल एन प्रेस किया मैंने यहाँ पर। और जो थंबनेल का साइज़ होता है वो 16x9 होता है, यानी इंचज़ के अंदर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके करें। तो बैकग्राउंड हम बाद में लगाएंगे, सबसे पहले हम मैटर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक शेप ले ली, थोड़ा इसको बारीक कर दिया, कलर येलो थोड़ा स्क्यू कर देंगे। इस पर एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो इसमें देखो स्क्यू वाले पॉइंट्स आ जाते हैं, और फिर से क्लिक करेंगे तो इसमें रीसाइज के साइन आ जाते हैं, यानी अब इसे रीसाइज कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह से इस तरह से आ जाते हैं, और रोटेट भी कर सकते हैं आप। तो अभी हम इसे बिल्कुल स्ट्रेट में स्क्यू करके बना रहे हैं इस तरह से। अब हमने इसके ऊपर अट्रैक्टिव लिखना है, या मोस्ट अट्रैक्टिव, जो भी आप लिखना चाहें। साइज सेट कर लें, लैंग्वेज यहाँ से चूज करेंगे आप। इसके अंदर का कलर व्हाइट करेंगे हम। तो मैं यहाँ पर, ये इंटरेक्टिव टूल्स होता है हमारा, इसमें मैं डबल कलर की थोड़ी शेड दूंगा। मैंने ऐसे लिया और इसमें थोड़ा सा यहाँ से सिल्वर कलर ऐड कर दिया ऐसे। अब इसकी जो बैकग्राउंड कलर थी, इसमें भी मैं इंटरेक्टिव कलर दे दूंगा। व्हाइट कलर में अगर आपको अट्रैक्टिव लग रहा है तो बेटर है, नहीं तो आप इसमें ब्लैक कलर भी दे सकते हैं, क्योंकि ब्लैक में ये और भी ज़्यादा लगेगा। तो इसमें भी आप सेम वही उसी तरह से इंटरेक्टिव कलर देकर थोड़ा नीचे लाइट की तरफ ले सकते हैं। तो चॉइस आपकी रहेगी, जैसा भी आप चाहें इसमें कलर दे सकते हैं ऐसे। देखो ये कितना इफेक्टिव लग रहा है। तो उसके बाद हमारा यूट्यूब है, इसकी लैंग्वेज में थोड़ी डिफरेंट ले लूँगा। अब इसकी हमें आउटलाइन देनी होती है, जो हमने थंबनेल बनाया था, जो मैंने अभी दिखाया था, तो उसकी आउटलाइन दी हुई है। तो आपको यहाँ पर जाना है, इसमें आपको कंटर पे क्लिक करना है, और इसको ऐसे पकड़ के आपको आउटलाइन देनी है। जितनी भी आप आउटलाइन इसकी देना चाहें आप छोड़ दें। अब ये कलर्स जो हैं, आप यहाँ से इसे बिल्कुल कम कर दें, और ये रेड कलर की आउटलाइन है, तो दोनों में रेड कलर आपका होना चाहिए। अगर आप थोड़ा डिफरेंट कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आके, जैसे रेड का थोड़ा डार्क कलर देना चाहते हैं तो रेड का डार्क कलर भी दे सकते हैं। तो जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो आप कलर यहाँ पर दे दें। इसका फिल कलर जो है वो वाइट लेंगे हम, क्योंकि वाइट में ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। और सेम वही इंटरेक्टिव टूल इसमें भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आप प्लस प्रेस करके सेम डुप्लीकेट ले लें, रीड एक बार फिर से। डबल क्लिक करके आप इसको एडिट करें। थंबनेल इसमें भी आप यही कमांड यूज करें।
बस अभी इसको सेट करना है अपने हिसाब से। इन दोनों को मैं ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर दूंगा, ये एक हो जाता है बिल्कुल, यहाँ से मैं लेके चलूँगा ऐसे। उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पर ले लेंगे, ये वाला आप कंट्रोल होम से फ्रंट कर लें, वो फ्रंट में ज़्यादा बेटर लगेगा। ऐसे आप इन तीनों को सिलेक्ट करें, रोटेट भी करना है थोड़ा, वो हम पिक के हिसाब से रोटेट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने पिक भी सेट करनी है इसके अंदर। विद इन 10 मिनट, सेम मिनट, क्योंकि हम ये YouTube थंबनेल जो है वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको कवर करना सिखा रहे हैं। लैंग्वेज इसकी भी चूज़ करें और आउटलाइन बॉर्डर आपने इसका भी देना है। इसका आउटलाइन मुझे ब्लैक कलर देना है, तो ब्लैक चूज़ करेंगे और जो फ़ॉन्ट कलर है वो आपका वाइट हो जाएगा इस तरह से। यस सब कुछ सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी से आप इसे ग्रुप कर दें। अब हम पिक लेकर आएंगे, पिक को हमने ऑलरेडी पीएनजी के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। पीएनजी के ऊपर मतलब जेपीजी फाइल को अगर आप पीएनजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी मैंने बताया हुआ है कि उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो हैं थंबनेल्स के ऊपर हम डेली बनाते हैं और अपडेट करते रहते हैं। तो आप इसको यहाँ सेट करें। अब ये हैंड हमारा यहाँ पर थंबनेल के नीचे आएगा तो फोटो हमारी नीचे से कटिंग होएगी, तो वो कटिंग भी करनी है। अराउंड हमें फोटो इतनी ही चाहिए, तो अब नीचे की जो फोटो है वो कटिंग करनी है मुझे, तो हमें ट्रिम कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। इसको मैं जहाँ तक कटिंग करनी है मैं वहाँ तक इसको ऐसे सेलेक्ट कर दूंगा। इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि इतनी ये हाइट हो चुकी है, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और शिफ्ट प्रेस करके फोटो को भी सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपके पास यहाँ पर ट्रिम होता है और ट्रिम कर दें, तो नीचे की फ़ोटो जो है आपकी वो कट हो जाएगी। तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन आप इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं। अब ये मैटर जो है वो कंट्रोल होम से हैंड के ऊपर आएगा। आप और थोड़ा सा इसे रोटेट करना चाहें तो रोटेट कर सकते हैं, थोड़ा और स्ट्रेच करना चाहें, जैसा भी आप इसे एडजस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा बॉर्डर से बाहर है तो थोड़ा करना पड़ेगा मुझे इसकी सेटिंग। ठीक है, अब थोड़ा और कटिंग होगा। एक बार फिर से अब बिना कलर के भी आप इसे शिफ्ट के साथ सिलाई करके ट्रिम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कलर ही देना होता है। अब एक चीज़ और मैंने इसमें ऐड करनी है, ये स्पेशल का हमारे पास एक लोगो है, ये लोगो मैं यहाँ पर सेट करूँगा। मैंने इसमें लिखा हुआ है वॉच नाउ, तो अब हमें इसमें वॉच नाउ लिखना है, वॉच नाउ। आप इसके बीच में कर्सर लगे एंटर प्रेस करें और कंट्रोल ई प्रेस करें तो ये सेंट्रल अलाइनमेंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कंट्रोल
ई प्रेस करना है, तो इससे ये सेंटर में आ जाता है। आप लैंग्वेज चेंज कर ले इसकी भी, जो भी आप चाहें, और क्लिक करके इसे रोटेट कर लें इस तरह से, कलर वाइट ऐसे। थोड़ा और इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। आपने इसके ऊपर एक कैसे सर्कल बना देना है, वाइट कलर ले लेना है, लाइन का कलर भी वाइट कर देना है। इसे बिटमैप के अंदर जाके कन्वर्ट टू बिटमैप में जाकर आपको इसे बिटमैप में कन्वर्ट कर देना है, और यहाँ पर ब्लर में जाकर आप इसे ग्रोशन ब्लर लेंगे, प्रीव्यू करेंगे, तो ये आप इसमें ओके करें और इसको इसके ऊपर छोड़ें, या बीच में छोड़ना चाहें या कहीं भी आप इसे रख सकते हैं। तो ये इस तरह से इफेक्टिव लगता है। अब बात आती है बैकग्राउंड की, कि बैकग्राउंड क्या दें। तो बैकग्राउंड के लिए आप बैकग्राउंड्स हमारे पास बहुत सी हैं, बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड की हुई, मैं उनमें से भी कोई भी बैकग्राउंड सेट कर सकता हूँ, लेकिन आप खुद की अपनी बैकग्राउंड से लगाना चाहें तो वो भी आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। मैं एक थोड़ी लगा के दिखाता हूँ, फिर दूसरी इसमें चेंज भी करके दिखाऊंगा। मैंने ये बैकग्राउंड यहाँ पर ली, सेलेक्ट करें, कंट्रोल एंड से आप इसे बैक में कर दें, तो इस तरह से भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बनाना चाहें तो बैकग्राउंड, वो भी आप बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, अपनी खुद बैकग्राउंड बनाएंगे। यहाँ पर पेन टूल लिया मैंने, यहाँ से इसको बिल्कुल स्ट्रेट गया, शिफ्ट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइनिंग जाएगी। और इसे यहाँ पर जोड़ दें, फिर आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसमें टू कलर दूंगा, इंटरेक्टिव टूल लेकर रेड के साथ मैं येलो मिक्स कर सकता हूँ, या कोई भी और कलर जो भी आप देना चाहें। राइट क्लिक करके इसी लाइन का कलर बंद कर देंगे और इसको थोड़ी ट्रांसपेरेंसी दे देंगे, यहाँ पर आके ट्रांसपेरेंसी, और ऐसे थोड़ा मिक्स हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद आप इस पर प्लस प्रेस करें, प्लस दबाने से इसका डुप्लीकेट बन जाता है, और आप यहाँ से इसे रोटेट कर लें यस, और ये इस एंगल में यहाँ पर फिट कर दें। इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो इंटरेक्टिव टूल पे लाकर आप इसका थोड़ा चेंज कर सकते हैं कलर ऐसे। अब ये जो था हमारा, और शिफ्ट प्रेस करके आप ये भी सिलेक्ट करें फोटो, और कंट्रोल होम से आप इसे फ्रंट में कर दें। अभी आपका ये वाला बैक रह गया, इसे भी कंट्रोल होम से फ्रंट में। अब आपका मैटर, आपको इसको मैटर के साथ इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल होम से करेंगे, क्योंकि वो बैक में रह जाएगा अदरवाइज। तो आप इस तरह से भी बैकग्राउंड अपनी खुद की बना सकते हैं, क्या और भी बहुत से तरीके होते हैं बैकग्राउंड थंबनेल बनाने के। तो एक अट्रैक्टिव थंबनेल्स बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका था, जिससे मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के जो अपडेट हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।